राजधानी पटना में एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेद पुलिस ने किया है। घर के तहखाने में बनाया जाता था हथियार। भारी मात्रा में हथियार बनाने के सामान के साथ साथ दो हथियार तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 20 से 25,000 रुपए में अपराधियों को बेचा करते थे हथियार। राजधानी पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेद पटना पुलिस ने किया है। इन दिनों पटना पुलिस लगातार हथियार तस्करों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है और इसी कड़ी में दो हथियार तस्कर के साथ हथियार बनाने के सामानों को गौरीचक थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है। इस घटना की जानकारी देते हुए पटना के ग्रामीण एसपी सैयद इमरान मशहूद ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गौरीचक थाना क्षेत्र में घर के तहखाने में हथियार बनाने का काम चल रहा है, जहां छोटे छोटे हथियार बनाए जा रहे हैं और गौरीचक एसएचओ के द्वारा रेड किया गया। रेड करने पे जो दीपक सिंह के घर है वहां पे हम लोगों ने सर्च किया। सर्च के दौरान उसके घर में अंडरग्राउंड तहखाना मिला, जहां पे एक मिनी गन फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी और साथ ही साथ दो वहां पे व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई जो कि मौके वारदात में मौजूद थे। ये दो लोगों का नाम है मोहम्मद चुन्ना और मोहम्मद एहसान। ये दोनों मुंगेर के रहने वाले हैं, बरधा के रहने वाले हैं, मुफस्सिल थाना अंतर्गत, और पहले से आर्म्स एक्ट के अपराध में जेल जा चुके हैं। इसमें जो जिसका घर था दीपक सिंह, वो भी अभी वर्तमान में जेल में है। आर्म्स एक्ट के केस में एक महीना पहले ही गौरीचक थाना से वो जेल गया है और उसी के पास से एक हथियार बरामद हुआ था और उसके बाद से लगातार हम लोगों को ये सूचना थी कि वहाँ पर इस तरह का कारोबार चल रहा है। उसी में एएसपी सदर के द्वारा जो टीम गठन किया गया, उसमें रेड हुआ और उसमें सफलता मिला है। इसमें जो बरामद हुआ है रॉ मटेरियल हम लोगों के पास बरामद हुआ है। इसमें लेथ मशीन है और अन्य सामग्री है जिससे हथियार का ये लोग बनाते थे। भारी मात्रा में बरामद हुआ है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कई चीज जो पिस्टल है भारी मात्रा में निर्मित होने वाला था। करीब 30 से 35 पिस्टल जो बनाने वाले का सामान हम लोगों को मिला है। इसमें स्प्रिंग मिला है, बट प्लेट मिले हैं और लेथ मशीन मिले हैं। इसके अलावा अन्य सामग्री मिला है। इसमें जो इन लोगों से हमने पूछताछ किया है, इस पूछताछ क्रम में मालूम पड़ा है कि दीपक सिंह जो कि वर्तमान में जेल में, उनके ये लोग पुराने सहयोगी हैं और मुंगेर से ही सामान ला करके ये लोग यहाँ पे बना करके इसको बेचते थे। इस पर अन्य पूछताछ चल रही है, इस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। जो दो तस्कर हथियार बनाने के तहखाने में पकड़े गए थे वो दोनों तस्कर मुंगेर के ही रहने वाले हैं। सूत्रों की माने तो हथियार तस्कर एक हथियार को लगभग 20 से 25,000 रुपया में अपराधियों को बेचा करते थे। इनका कनेक्शन मुंगेर जिले से भी है। फिलहाल पुलिस इस कार्य में संलिप्त बाकी सारे सदस्यों की जानकारी जुटाने में लगी है और जो इस कार्य में संलिप्त है उसके लिए छापेमारी की जा रही है।